तो कैसे हैं आप? एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए, जीरो से हीरो कोर्स के लिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे एक के बाद एक वीडियो आप तक आते रहें। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई भी बड़ी कंपनी अपने नाम के अंत में INC यानी कि इनकॉर्पोरेटेड और LTD मतलब लिमिटेड शब्द का प्रयोग क्यों करती है, और ये भी जानेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी, मतलब पब्लिक इंटरप्राइज और प्राइवेट इंटरप्राइज में क्या अंतर है, ये भी देखेंगे। तो जैसे आप देखिएगा सर्च करके, तो कोई भी बड़ी बड़ी अमेरिकन कंपनी, जैसे वो गूगल हो जिसे अल्फ़ाबेट अब कहा जाता है, अब अल्फ़ाबेट के अंदर ही गूगल आता है, या एप्पल हो, या अमेज़न हो, या बर्कशायर हैथवे हो, या कोई भी बड़ी कंपनी अपने नाम के अंत में INC लगाती है। अगर आप इंडियन और यूरोपियन कंपनी को देखेंगे तो अपने नाम के अंत में लिमिटेड शब्द का प्रयोग करती है, जो इसे आप शॉर्ट में LTD कहते हैं। जैसे आप कितने बार देखे होंगे इसको लिखे हुए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, या फिर आप देखे होंगे HDFC लिमिटेड, या फिर आप कह सकते हैं कि एयरटेल लिमिटेड। ये जितने भी कंपनी हैं अपने नाम के अंत में या तो लिमिटेड लगाती हैं, या तो अगर अमेरिकन कंपनी है तो INC लगाती हैं। तो इसी को जानेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो कहने का मतलब है कि INC का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड। अगर इसका हम फुल फॉर्म आपको बताएं तो INC का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड और LTD का मतलब होता है लिमिटेड। तो कहने का मतलब पहले जानेंगे कि INC का क्या मतलब है। तो जैसे कोई कंपनी आप स्टार्ट करते हैं तो उस फर्स्ट में छोटी कंपनी होती है, और वो जैसे जैसे बड़ी होते जाती है तो कंपनी ग्रो करती है समय के साथ। तो जब छोटी कंपनी होती है तो आपको उसका कहीं से रजिस्ट्रेशन करवाना नहीं पड़ता, कहीं रजिस्टर्ड नहीं करवाना पड़ता है। लेकिन अगर कंपनी बड़ी हो गई, आपकी इनकम रेवेन्यू बढ़ने लगे, तो आपको उसे लिस्टेड करवाना होगा, रजिस्टर्ड करवाना होगा, और यही रजिस्टर्ड करवाने के बाद आपका कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, यानी कि वह एक कॉर्पोरेशन बन जाएगा। कॉर्पोरेशन क्या होता है उसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, इसको आप देख लीजिएगा। एक कॉर्पोरेशन बन जाएगा और जब आप गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड करा लेंगे तो उसी दिन से आपके कंपनी के नाम के अंत में INC लगेगा, जिसका मतलब होता है कि आपका कंपनी इनकॉर्पोरेटेड हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि भारतीय और यूरोपियन कंपनियां अपने नाम के अंत में LTD यानी कि लिमिटेड लगाती हैं। तो ये लिमिटेड का जो मतलब होता है वो होता है कि उसमें जो शेयर होल्डर होते हैं, माने जो उसका शेयर खरीदे हुए होते हैं, उसका जो लाइबिलिटी है, जो दायित्व है, वो लिमिटेड होता है। मतलब आप वो कंपनी के ओनर तो ज़रूर हैं, जैसे अगर आप किसी कंपनी के ओनर बनना चाहते हैं, जैसे रिलायंस कंपनी जो मुकेश अंबानी की कंपनी, अगर आप उसका मालिक बनना चाहते हैं तो आज ही जाकर आप उसमें शेयर खरीदें, बस ज़्यादा नहीं, अगर आप एक भी शेयर खरीद लेते हैं तो आप ये कहने के लायक हो जाएंगे कि मैं भी इस कंपनी का ओनर हूँ, मालिक हूँ। तो अगर आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो आप उसका ओनर हो गए। लेकिन यहाँ लिमिटेड का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। अगर वो कंपनी कोई भी फ्रॉड करती है, कोई भी धोखा करती है, या कोई भी गलत काम करती है, तो उस पर जो कार्रवाई होगा तो जेल जाते समय आपका नाम वहाँ नहीं आएगा, मतलब आपकी जो जवाबदेही है वो लिमिटेड हो गई है। वहाँ जेल कौन जाएगा? तो जेल CEO जाएंगे, जेल जाएंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जेल जाएंगे वहाँ के CA जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिट डिपार्टमेंट जाएगा, लेकिन जो शेयर होल्डर है वो आराम से घर पर सोए रहेंगे। तो इसीलिए इनकी चूँकि जवाबदेही उसमें लिमिटेड है, इसलिए कुछ कंपनियां अपने नाम के अंत में लिमिटेड लगाती हैं। और INC का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड, मतलब ये कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी और आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि किसी कंपनी के नाम के अंत में INC या LTD यानी कि लिमिटेड क्यों लगा होता है, तो आप इसे आसानी से बता सकेंगे। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप कमेंट में एक ऐसे कंपनी का नाम बताएं जिसके अंत में INC लगा हो और जिसके अंत में लिमिटेड लगा हो। इसके हिंट्स के लिए मैं आपको बता दूं कि सारी अमेरिकन कंपनियां अपने नाम के अंत में INC लगाती हैं और इंडियन और यूरोपियन कंपनियां अपने नाम के अंत में लिमिटेड लगाती हैं। तो आप सर्च करके और कमेंट बॉक्स में एक ऐसी कंपनी का ज़रूर नाम बताएँ। तो अब हम लोग बात करेंगे कि पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी क्या होती है। तो इसे हम लोग एकदम शॉर्ट में समझेंगे और आसानी से समझेंगे। तो मेरे दोस्त, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि वैसी कंपनी जिसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं या जिस कंपनी में आप शेयर खरीद सकते हैं उसे ही कहते हैं पब्लिक कंपनी, और जिसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, जिसमें आप शेयर नहीं खरीद सकते हैं, उसको बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। जैसे प्राइवेट कंपनी का उदाहरण मैं लेता हूँ कि आपके घर के अगल बगल कोई बड़ा सा मॉल हो सकता है, आपके घर के अगल बगल कोई बड़ा सा रेस्टोरेंट हो सकता है, आपके घर के अगल बगल कोई बड़ा सा और सैलून दुकान हो सकता है। तो ये जितने भी सारे बिजनेस हैं ये सब के सब प्राइवेट हैं। अगर आपको इसमें इन्वेस्ट करना है तो आपको उसके बिजनेस मैन के बेटी से शादी करना होगा, या तो उसके साथ अफेयर में रहना होगा, या उसका कोई अगर आप क्लोज हैं तभी उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई मॉल बन रहा है और आप उसमें जाके बोले कि हम भी इसमें शेयर
होल्डर बनना चाहते हैं तो आपको आसानी से बना देगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन पब्लिक कंपनी जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे इंडिया में जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो पब्लिक हो चुके हैं, पब्लिक कंपनी हो चुकी हैं। जैसे आप रिलायंस की बात कर सकते हैं, वो पब्लिक कंपनी है, उसमें आप शेयर होल्डर बन सकते हैं। HDFC ये पब्लिक कंपनी है, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप मैगी खाते हैं तो मैगी का एक जो कंपनी है पेरेंट कंपनी वो है आपका नेस्ले, उसमें आप शेयर खरीद सकते हैं। तो इस तरह से जितने भी कंपनियां हैं उसमें आप शेयर होल्डर बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि वैसी कंपनी जिसमें आप शेयर खरीद सकें उसी को हम लोग कहते हैं पब्लिक कंपनी, और जिसमें शेयर नहीं खरीद सके उसको कहते हैं प्राइवेट कंपनी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है आपके लिए। तो इसे खुद देखें और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी बिजनेस और कॉरपोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड इन सभी वर्ड को जान सकें और इसका क्या मतलब है इसको भी समझ सकें। और हमसे बने रहने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।